सबसे पहले तो हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें उसके बाद घंटे के निशान जरूर दबा लीजिएगा इससे क्या होगा वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी आपके पास चलो हेलो भाइयों मैं हूं दीपक देव तो और राम सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है भाइयों आज मैं आपको बताऊंगा वीडियो के जरिए कि जो मेरे भाई एम से बिलोंग करते हैं एम के जो लोग है वहाँ से बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एम के बारे में हमें वीडियो बना कर दो और एमपी के द्वारा एम में किस तरह से श्रमिक कार्ड बनाएँ ये जानकारी हमें दो तो उन भाइयों के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ उनका आज मैं बताऊँगा कि श्रमिक कार्ड कैसे बनाएं जो एम के रहने वाले हैं और एम में श्रमिक कार्ड से क्या क्या योजनाओं का लाभ आप उठा सकते हो ये सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में दूंगा और लाइव आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह से तो ऑनलाइन आप श्रमिक कार्ड बनाएं और हमको क्या क्या सेवाएं श्रमिक कार्ड से मिलती है जिसको हम मजदूरी कार्ड ही बोलते हैं तो उससे हमको क्या क्या सेवाएं मिलती है आज मैं आपको ऑनलाइन बताऊंगा तो चलो भाइयों स्टार्ट करते हैं और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नीचे लाल कलर का बटन दबा के हमारे चैनल से जुड़ जाए और साथ ही में घंटे के निशान जरूर दबा लें क्योंकि घंटा दबाने से क्या होगा कि जिससे कि मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा वो सबसे पहले पहुँचेगी आपके पास तो चलो भाइयों स्टार्ट करते हैं और किसी ब्राउजर का यूज़ नहीं लिए या आपको दिख रहा है क्रोम ब्राउजर इस क्रोम ब्राउजर को ही ओपन करना है तो सबसे पहले मैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको गूगल में टाइप करना है विभाग श्रम विभाग पोर्टल जिस तरह से मैं सर्च कर रहा हूँ वही आपको सर्च करना है एम पी इतना लिख कर श्रम विभाग पोर्टल एम पी सर्च कर देना है और सर्च करने के बाद में सबसे जो ये आपको श्रम सेवा पोर्टल सेकंड नंबर डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ये भी एम पी की वेबसाइट है लेबर डिपार्टमेंट की लेकिन आपको हिंदी में ज्ञान चाहिए जैसा कि मेरे भाई हिंदी ज़्यादा जानते हैं तो उनके लिए श्रम सेवा पोर्टल डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एम पी जो ये नीचे दिख रही है सेकेंड नंबर को इसको ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद ये आपके लिए कि क्या क्या सेवाएं मिल रही है इस वेबसाइट पर हमको सारी जानकारी मिलेगी तो हम हल्के हल्के धीरे धीरे नीचे ले चलते हैं नीचे ले चलने के बाद अगर आपके पास पहले ही श्रमिक कार्ड है और आप एम के रहने वाले हो तो इस वेबसाइट पर अपना श्रमिक कार्ड नंबर डालकर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो या फिर अभी तक आपने आपको जानना है कि क्या क्या योजनाएं एमपी में चल रही है श्रमिक कार्ड से सबसे पहले ये प्रसूति सहायता योजना मैं इसको ओपन कर लेता हूं ओपन करने के बाद मैं आपको बताता हूं प्रसूति सहायता योजना होती क्या है इस योजना का नाम अधिकतर तीन प्रसूतियत देह है यानी कि आप आपके पास श्रमिक कार्ड है तो आपके तीन बच्चे होंगे तब तक आप इसका लोभ उठा सकते हैं लाभ पैंतालीस दिन का न्यूनतम वेतन पंजीकृत महिला को श्रमिकों हेतु यानी कि जब आपकी डिलीवरी होगी और आपको लाभ मिलेगा तो आपको पैंतालीस दिन का वेतन जो सरकार रेट होती है एम की एक सौ या फिर दो सौ के समथिंग जो भी रेट है सरकारी उसके हिसाब से पैंतालीस दिन का वेतन मिलेगा और चौदह सौ पोषण भत्ता अगर आप ग्रामीण के क्षेत्र रहने वाले हो तो चौदह सौ रुपये मिलेंगे और शहर के रहने वाले हो तो एक हज़ार रुपये ये लाभ है और पैंतालीस दिन का लाभ यानी कि रुपये इसी तरह से जो व्यक्ति है व्यक्ति जो घर का मुखिया है उसको पंद्रह दिन का न्यूनतम वेतन पुरुष को मिलेगा पंद्रह दिन का न्यूनतम वेतन यानी कि दोनों का टोटल मिला के लेडीज़ का पैंतालीस दिन का और पुरुष का पंद्रह दिन का और साथ ही में चौदह सौ रुपये जितने भी आपके मनते हैं नौ हज़ार चार सौ रुपये के समथिंग बढ़ेंगे वो आपको आपके अकाउंट में आ जाएंगे ये प्रसूति सहायता योजना है श्रमिक विभाग की आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इसके लिए आपके पास श्रमिक कार्ड होना चाहिए बस और कोई ज़रूरत इसके लिए नहीं है और आपको फॉर्म भरना है ऑनलाइन बेनिफिट्स में आपको जो मैंने बताया है उतना रुपये का लाभ मिलेगा और प्रोसेस की क्या रहेगी कि इस योजना का लाभ आप तीन प्रसूतियों तक तो उठा सकते हो और आप जब उसके फॉर्म भरोगे तो उसमें एक फॉर्म में वो रहता है कि आपको आपके जिस ठेकेदार से या फिर आपके गांव में एक सरपंच के द्वारा उस फॉर्म पर साइन कराने होंगे दूसरी योजना है विवाह हेतु सहायता सेकंड योजना यह है इसका भी प्रोसेजर मैं आपको बताऊँ कि पच्चीस हजार प्रति विवाह सहायता है अगर आपके पास श्रमिक कार्ड है और आपके बच्चों का विवाह होने वाला है तो आपको शादी के एक दिन बाद इसका रजिस्ट्रेशन कराना है ऑनलाइन ई मित्र के द्वारा इसी वेबसाइट पर डब्ल्यू 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 एम पी डॉट गवर्नमेंट डॉट इन श्रम विभाग की वेबसाइट है मैं नीचे लिंक दे दूंगा और अभी आपको बताऊंगा जिस वेबसाइट से आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है ई मित्र के द्वारा है ना पच्चीस हज़ार रुपये का लाभ है अगर दो लड़कों या लड़की की एक साथ मिल होती है शादी तो भी आपको पच्चीस हज़ार रुपये ही मिलेंगे प्रस्ताव एक दिन बाद में आपको जिस तार को आपकी शादी है उसके एक दिन बाद इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते ही आपको तीन महीने के अंदर आपको लाभ आपके अकाउंट में मिल जाएगा ये दूसरा जो हमारे को लाभ मिलता है वो हुआ तीसरा लाभ है शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं देखो भाई शिक्षा के लिए लाभ सरकार पहली कक्षा से लेकर एम में पहली कक्षा से लेकर और आपने पी तक अगर आप पढ़ रहे हो आप पहली कक्षा से लेकर पी तक किसी भी क्लास में हो आपको लाभ मिलेगा एक हज़ार से रुपये से लेकर बारह हज़ार रुपये तक का लाभ है यदि आप पहली कक्षा में हो तो आपको एक, एक हज़ार रुपये अगर आप स्नात्र यानी कि आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो बीटेक पीएचडी एम एस सी तो आपको बारह हज़ार रुपये का लाभ इस योजना में मिलता है एक से छठी तक एक हज़ार दो हज़ार रुपये मिलेंगे और छठी से लेकर ऊपर आपको पाँच हज़ार छः हज़ार दस हज़ार और बारह हज़ार रुपये इसमें लाभ है इस तरह से आप छात्रवृत्ति पा सकते हो और छात्रवृत्ति का फॉर्म भी आपको ऑनलाइन ही भरना है फिर चौथा लाभ है आपको मेघावी छात्र छात्राओं को नगद पुरस्कार इसका लाभ भी सेम छात्रवृत्ति की तरह है आप पाँच हज़ार रुपये तक का इसमें लाभ उठा सकते हो फिर है चिकित्सा सहायता चिकित्सा सहायता के लिए आपको तीन लाख रुपये तक की सहायता है उसमें क्या होता है कि जिसकी जैसे आपका श्रमिक कार्ड बना हुआ है और आपकी अकारणवश मृत्यु आती है किसी बीमारी से या फिर एक्सीडेंट से तो आपको तीन लाख रुपए तक आपको इसका भी चिकित्सा सहायता का फॉर्म भरना होगा और आप ये फॉर्म भरने का ई मित्र से फॉर्म भरना होगा उसमें सारे डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे अब मैं आपको बताता हूँ इसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्या क्या लगाने पड़ेंगे देखो सब में डॉक्यूमेंट एक ही लगेगा प्रोसेस की क्या है कि आप जो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका ऑनलाइन फॉर्म आपको कहाँ से डाउनलोड करना है आप किस तरह से श्रमिक कार्ड बनवा सकते हो अब मैं वहाँ बनवा सकते हो वो इम्पोर्ट मैं आपको वो इम्पॉर्टेंट न्यूज देता हूँ सबसे पहले ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है इसमें आपको जाना है जिस तरह से मैंने जा रहा हूँ योजनाओं के नीचे और योजनाओं के नीचे जाने के बाद ये सेवाएँ आएँगी और सेवा में आपको सेकेंड नंबर का ऑप्शन दिख रहा होगा ये फोरम इस फोरम पर क्लिक करना है फोरम पर क्लिक करने के बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमोदय आवासीय विद्यालय भोपाल इंदौर जबलपुर इसके फोरम ऑनलाइन आप भर सकते हो श्रमोदय विद्यालय एंट्रेस जो एमपी का एक श्रमोदय विद्यालय है उसमें आप जिसमें श्रमोद्य मतलब जिसके पास श्रमिक कार्ड है उसके बच्चे इस विद्यालय में पढ़ सकते हैं उसका भी फॉर्म अपने बच्चों के लिए भर सकते हो उनके एडमिशन चालू है शौचालय स्कीम का भी आप यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो लास्ट में है छठे नंबर पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिख रहा होगा छठे नंबर पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसको आपको ये व्यू अटैचमेंट ये व्यू अटैचमेंट पर क्लिक करना है और आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा ये डाउनलोड कर देना डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म इस प्रकार दिखाई देगा जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं। देखो भाइयों ये फॉर्म डाउनलोड हो चुका है और ये फॉर्म है आपके सामने इसमें आपको फोटो लगानी है आपका पूरा ब्यूरो भरना है नाम पिता का नाम माता का नाम माता का नाम जाति आयु ये सब आप भर सकते हो पता मुखिया का नाम फिर आपको आपके राशन कार्ड का विवरण डालना है इसमें नियोजक का विवरण नियोजक का विवरण क्या होता है कि जिसके जिस ठेकेदार के नीचे आपने काम किया है मजदूरी उसका पता हुआ नाम यहाँ भरना है पहले क्रमांक में फिर कार्य का प्रकार आपने क्या कार्य किया है पेंटर किया है आप किसी भी वर्कर डिपार्टमेंट में आते हो पेंटिंग में मिस्त्री के काम में बेलदार में आप कुछ भी करते हो तो आप यहाँ कार्य का प्रकार भर दो जैसे मजदूरी कब से कब तक की है यानी कि 90 दिन का विवरण होना चाहिए इससे कम मत भरना 90 दिन से कम नहीं भर सकते आप मिनिमम 90 दिन तो आपने काम किया होगा उसका डिटेल भरकर आप इसमें निम यानी कि नॉमिनी भी बना सकते हो जैसे मेरी मृत्यु की दिशा में मुझे दे रहा है यानी कि आप अपने बेटे को देना चाहते हो आपकी मृत्यु होने के बाद जो रुपये देना चाहते हो उसका नाम यहाँ भर के उसका खाता का क्रमा आपको उसके बैंक डिटेल भी भरनी पड़ेगी उसके खाते का नंबर इसमें चढ़ाना होगा जिसको आप रुपये देने चाहते हो आप अपने मरने के बाद जो सहायता राशि मिलती है फिर उसके बाद आपके साइन यहाँ पर और इस तरह से आप ये फॉर्म भर के मित्र पर जमा कर सकते हो और आपका श्रमिक कार्ड यहाँ से बन जाएगा श्रमिक कार्ड का फॉर्म है फिर अब आप आपको एक और डिटेल देता हूँ कि आप जो न्यूज़ है इसकी न्यूज़ भी यहाँ से देख सकते हो इसमें सारी चीज़ है आपको मैं दिखाता हूँ इसकी मेन वेबसाइट है डिपार्टमेंट जैसे यहाँ आपने सर्च किया था श्रम विभाग पोर्टल एम पी इसकी फर्स्ट वेबसाइट आप ओपन कर लेना इस पर आपको अधिक जानकारी मिलेगी सारी जानकारी अगर आपको श्रमिक कार्ड बनवाना है नया तो मैं आपको बता दूँ मध्य प्रदेश भवन एवं सैन सैन्य निर्माण क्रमकार कल्याण मंडल इसको ओपन कर लेना है इसको ओपन करने के बाद में वीडियो के जरिए आपको बता दिया है कि आप इस वेबसाइट से जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हो श्रम विभाग से अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से श्रम कार्ड बनवाना है देखो श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए भाइयों आप अगर इतने पढ़े लिखे नहीं हो क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं आपका आधार कार्ड लगेगा आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा मूल निवास लगेगा और राशन कार्ड लगेगा इन सारे डॉक्यूमेंट्स को दो फोटो आप इन सारे डॉक्यूमेंट को लेकर आप ई मित्र पर जाओ ई मित्र क्या होता है कि आपके गांव में जो फॉर्म भरता है सरकारी योजनाओं के फॉर्म भरता है जो आधार कार्ड बनाता है उस फॉर्म भरने वाले के पास जाओ सारे डॉक्यूमेंट लेकर उनसे बोलो कि मुझे श्रमिक कार्ड बनवाना है श्रमिक कार्ड बनवाना है तो वो आपसे क्या बोलेगा कि अगर उसको नहीं पता है कि श्रमिक कार्ड कैसे बनता है क्योंकि तो हर किसी को नहीं पता होता है कि श्रमिक कार्ड कैसे बनता है हर मित्र वाले को पर बनता ही मित्र से ही है तो आप उनसे बोलो कि ये वेबसाइट खोलो आप जैसा कि मैंने बताया कि गूगल में आप जाओ और डब्लू 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 लेबर डिपार्टमेंट डॉट एम पी डॉट गवर्नमेंट डॉट इन जो ये वेबसाइट ऊपर मैंने गूगल में सर्च कर रखी है आपको दिख रही होगी ये वेबसाइट उससे ओपन करवा लेनी है कि आप लेबर डिपार्टमेंट सर्च कर दो गूगल में तो लेबर डिपार्टमेंट ऑफ एम पी यानी श्रम विभाग एम पी ये आप अगर हिंदी में बोलने वाले हो ग्रामीण भाई तो उससे बोलो श्रम विभाग एम पी सर्च करो गूगल में और जो पहली वेबसाइट खुलेगी सर्च करने के बाद उस वेबसाइट से आप हमारा ऑनलाइन फॉरम भर दो बाकी रहेगा ई मित्रवाड़े का काम वो खुद भर देगा वैसे किस तरह से फॉरम भरा जाता है तो भाइयों मैं आशा करता हूँ आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी कर लगी तो लाइक कर दें वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें भाइयों मेरी आपसे एक ही विनती है कि वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें जिससे सभी भाई इस वीडियो का लाभ उठा सकें और, और ग्रामीण भाइयों को भी इस योजनाओं के बारे में पता चले कि श्रमिक विभाग श्रमिक कार्ड से इतने सारे लाभ मिल रहे हैं आपके बच्चों को एक से लेकर पीएचडी तक छात्रवृत्ति मिलती है विवाह के लिए लाभ मिलता है अगर आपके कोई चोट वगैरह लग जाती है तो चिकित्सा योजना से लाभ मिलता है तीन लाख तक का और भी भाइयों बहुत सारे लाभ हैं जो आप इससे ले सकते हो तो आज के लिए इतना ही भाइयों धन्यवाद